एवं जय हेम सरस्वतिं व्यासम् जय जय ततो जयं बुद्धिरे नष्ट प्राये सुभद्रेशु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युतम श्लोके भक्तेर भवती नष्टकी श्रीमद भागवतम स्कंदो अध्याय पांच समस्त कारणों के कारण श्लोक संख्या चौबीस सो अहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन संभूत्रिधा, संभूत्रिधा। वैकारिक तेजसस्य तामसस्येति यद्विधा द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञान शक्ति इति प्रभु सो अहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन संभूत्रिधा वै कार्यकेश तेजजस्य तामसस्य इति द्रव्य शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति इति प्रभु सो अहंकार इति प्रक्तो विकुरवन समभूत्रिधा वै कार्यक तेजसस्य तामसस्य इति अदविदा द्रव्य शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति रीति प्रभु अनुवाद इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिकतावादी अहंकार तीनों स्वरूपों में रूपांतरित होकर सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण बन जाता है ये तीन स्वरूप हैं पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां भौतिक सृष्टियों का ज्ञान तथा ऐसी भौतिक तबादिक क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि हे नारद तुम इसे समझने के लिए पूर्ण सक्षम हो ओम ज्ञानमतिमिरंदस्य ज्ञानंजन श्लाघ्याक्षुरो मिलयथं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः शिष्य धनमनो उष्ण स्थापयम येन भूतलै स्वयं रूप का नाम येम ददाति सुभदंदी

वाशाकृपृपिंधुभ्यो वैष्णव नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नि श्री भक्त वृंदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे चंद्राय राधे राधिका तदालय कृष्णा कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः हरे कृष्णा तात्पर्य अर्चनी बंदनी प्रातः स्मरणीय जगत जी द्वारा शिल प्रभुपाद की गुरु वैष्णव की दया से हम सभी समझने का प्रयास करें ध्यान से श्रवण करते हुए समझा रहे हैं कल वर्णन किया गया था कि जो स्वयं केंद्रित व्यक्ति है जय शास्त्र का भी आश्रय क्यों न ले। लेकिन वो भगवान को नहीं समझ सकता भले ही वो ब्रह्म सूत्र या अन्य बौद्धिक ज्ञान के स्रोत समान वैदिक साहित्य में रुचि रखता प्रतीत होता हो भगवान के साकार स्वरूप के प्रति यह अज्ञानता विभिन्न गुणों के मिश्रण को न जानने के कारण गुणों को जानना बहुत जरूरी होता है संसार में राया जो लोग काम करते हैं वो लोग इन गुणों के व्यापार को नहीं जानते तमोगुणी तो क्रिया हो रही है या रजोगुणी क्रिया हो रही है या सत्वगुणी क्रिया हो रही है या ये तीनों ही गुण क्या बंधन के कारण है उनको नहीं पता चलता संसार में तीनों गुणों के अंतर्गत लोग जीते हैं और तीनों गुणों के अंतर्गत वाले पैराडाइम के अंतर्गत ही सोचते हैं और उसी में डिफाइन करते हैं कि ये अच्छा है और ये बुरा है जैसे शतोगुन के अंतर्गत जो जीने वाले लोग हैं वो समझ पाते हैं कि तमोगुनी लोगों से हम अच्छे हैं रजोगुन के अंदर जीने वाले लोग हैं वो सोच पाते हैं कि हम तमोग लोगों से अच्छे लेकिन वास्तव में देखा जाए इस गुण का ज्ञान करने से वो समझ पाता है कि संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है और जो खराब है वो तो खराब है ही जो अच्छा है वो भी खराब ही है इसलिए सो कॉल्ड अच्छे का त्याग कर देना चाहिए शास्त्र में हालांकि ये सब बातें बताई गई हैं लेकिन थोड़ा सा ही लोगों को ज्ञान होता है लेकिन गीता में भगवान ने बड़ी स्पष्टता से इन बातों को लिख दिया है गीता में भगवान ने कहा बोले बुद्धि युक्तो जाती उभय सुकृत दुष्कृत तुम सुकृत और दुष्कृत उभय मतलब इन दोनों से बुद्धि से युक्त तो होकर के जहाती मतलब छोड़ दो संसार में क्या अच्छा है क्या बुरा है अपना दिमाग लगाना छोड़ दो तो फिर अच्छे बुरे का ज्ञान होना ठीक नहीं है क्या बोले सबसे अच्छा क्या है वो समझ लो अच्छे बुरे का ज्ञान होना जरूरी है लेकिन बुरे दो चीजें बुरी हैं उनमें से कौन अच्छा है क्या बुरा है उससे अच्छा है कि बुराई से ही पूरी तरह से दूर हो जाओ और सबसे अच्छा क्या है वो समझ सबसे अच्छा क्या है बोले सबसे अच्छा है भागवत इससे अच्छा और कुछ नहीं दूसरे अध्याय भगवान ने इस इस प्रकार से बताया कि बुद्धि युक्त तो हो बुद्धि से युक्त हो जाओ। इसका मतलब जो संसारी अच्छे बुरे को नहीं छोड़ पा रहा है संसारी अच्छे बुरे को संसारी अच्छा भी छोड़ना जरूरी होता है जैसे संसारी दृष्टि से जो माता पिता भक्त नहीं है जो भक्ति में सहयोग नहीं करते हैं, उस माता पिता की त्याग करने की वृत्ति संसार में कोई व्यक्ति नहीं कहेगा कि त्याग कर देना चाहिए एक माता जी का फोन आया तो आधा घंटे तक वो मेरे को समझाते रहे जी इस कौन वाले ऐसा करते ऐसा तो नहीं करना चाहिए ये तो गलत बात है हमारा बच्चा चला गया आपके साथ यात्रा में और बोले फॉर्म भरवा लिया फॉर्म भरवा के सीधे ले जाते हैं आप लोग फोन करके माता पिता से भी पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए कि माता पिता ने भी परमिशन दी है कि नहीं दी लड़का बालिग हो गया है बालिग हो गया है तो बोलो अब अपना फोन भर के साइन कर देता है आप उसे उठा के ले चलते हैं अरे ऐसा तो संसार में चलता है आप तो साधु लोग हैं साधु लोगों ने माता पिता को भी फोन करके पूछना चाहिए भाई ये जाने के लिए तैयार है इसने फॉर्म में अपने आप को साइन कर दिया है आप भेजना चाह रहे हो क्या वो समझाए जा रही वो बालक सिगरेट फूकता है फिल्मी दुनिया में घूमता है उसको कोई नहीं पूछता है कि भाई उसने माता पिता से परमिशन ली थी कि नहीं ली थी तो वो भी इसी बात का उदाहरण दे रही है चलो गलत कार्य में लगाने वाले लोग तो परमिशन नहीं लेते लेकिन आप लोग तो अच्छे कार्यों में लगाते हैं आपको तो परमिशन लेनी चाहिए <laughs> और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छे कार्य में लगा रहे हैं तो परमिशन की जरूरत क्या है सिगरेट शराब के लिए जब परमिशन आपसे नहीं ली गई थी और आप समझ रहे हो कि साधु लोग अच्छे कार्य में लगा रहे हैं तो फिर उसके लिए परमिशन लेने की जरूरत क्या है आपको तो भरोसा होना चाहिए आईडेली देखा जाए तो लेकिन वो उस परमिशन अच्छे कार्य में भी परमिशन को इतना महत्व तो दे रहे हैं कि भाई हमारी परमिशन बहुत जरूरी क्यों माता पिता है तो ये मूर्खता का परिचय है मैं सोच रहा हूँ क्या ऑर्गेनाइज कर लेते हैं वो लोग ऐसी गलती कर देते हैं मैं उन सबको सुधारू यही बोला मैंने आधा घंटे तक उसका पूरा प्रवचन सुना मैंने और बोले जा रही बोले जा रही रुकने का नाम ही नहीं ले रही तो संसार ऐसा ही जो संसार में अच्छे बुरे को लेकर के जीते हैं अब आदमी कहे माता पिता की आज्ञा के अनुसार ही जीना पड़ेगा अरे ऐसे माता पिता की आज्ञा के अनुसार जीवन जीने की जरूरत नहीं संसारिक दृष्टि से अच्छा है लेकिन भागवत धर्म की दृष्टि से अच्छा नहीं <coughs> इसलिए वो व्यक्ति को फिर बुद्धि युक्त तो भगवान नहीं मानना है कि बुद्धि से युक्त है ये बुद्धिहीन है बुद्धि नहीं इसके पास इसलिए भगवान ने अंत में कहा सर्व धर्मान परित्य ये सब धर्म है जो कर्तव्य बुद्धि सिखाते हैं इनको छोड़ दो फिर करें क्या इसी को बीच में भी भगवान ने कहा बोले हाँ शुभाशु परित्यागी भक्तिमान में प्रियो नरह जो व्यक्ति ने शुभ और अशुभ दोनों चीजें छोड़ दिया है और क्या ग्रहण किया भक्तिमान जिसने भक्ति को अंगीकार किया प्रियो नरह वो मुझे प्यारा है लेकिन आप मार्केट में अगर जनरल भाषण ऐसे देंगे तो लोग उठ उठ के चले जाएंगे और जो इस प्रकार से जनरल भाषण देते हैं उनके उसमें प्रवचनों में बहुत भीड़ भाड़ रहती है लेकिन हमारी जो परंपरा के आचार्य हैं उन्होंने स्पष्टता इस से इसी प्रकार बल दिया है ठीक है उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत बोला है लेकिन ज्यादा बल इस चीज पर दिया है क्या भक्त मनोवश संसार के अच्छे बुरे ये सब चीजों से परे हो जाओ सबसे अच्छा क्या है भगवान का आश्रय बस हम भगवान का आश्रित हो जाए इसलिए प्रभुपा जी यहां लिख रहे हैं भगवान के साकार स्वरूप के प्रति या अज्ञानता विभिन्न गुणों के मिश्रण को न जानने के कारण में। ये गुण किस प्रकार से कार्य करते हैं हम नहीं जानते हम गुणों में ही फंसे हुए हैं गुण से भी बढ़कर कोई चीज है गुणातीत अवस्था है उसको हम नहीं जानते गुणातीत में ऐसा नहीं है कि आदमी को कुछ पहाड़ तोड़ना पड़ेगा कुछ जमीन खोदनी पड़ेगी कुछ समुद्र लांगना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं गुणातीत में क्या है जीवन तो जीना ही है आत्म केंद्रित हो नहीं स्वयं को केंद्रित होकर के नहीं, हो नहीं। संसारी दृष्टि से स्वयं को केंद्रित होके नहीं आत्म केंद्रित होकर के जिया जा सकता है लेकिन उस सच्चा स्वार्थ आत्म केंद्रित होने का अर्थ क्या है कृष्ण साक्षात्कार होने से हमें पता चलता है कि हम कृष्ण के दास हैं। और फिर कृष्ण के दास हैं तो हम कृष्ण के लिए जीवन जी दास का काम आत्म केंद्रित होना मतलब आत्मा को समझते हुए कार्य करना क्या कार्य है कृष्ण के लिए कार्य अपने लिए जरा सा भी कोई सोच नहीं रखनी चाहिए मुझे खाने में क्या मिलेगा मुझे पहनने में क्या मिलेगा मुझे घूमने फिरने में क्या मिलेगा मुझे रहने के लिए कैसी व्यवस्थाएं मिलेंगी नहीं बेस्ट टू बेस्ट कृष्ण के लिए मैं क्या कर सकता हूँ बेस्ट टू बेस्ट कृष्ण के जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ गुरु जी के लिए क्या कर सकता के लिए क्या कर सकता हूँ शास्त्र के वितरण के लिए मैं क्या कर सकता हूँ प्रचार प्रसार के लिए मैं क्या कर सकता हूँ ये दास का काम और इसमें अत्यधिक आनंद प्राप्त होगा किसी भी दशा में हम आनंदित रह सकते किसी भी दशा बशरते ऐसा केंद्रित हम हो जाए कभी तो ऐसे केंद्रित हम हो नहीं पाते थोड़ी देर के लिए हो जाते हैं बाकी फिर वही संसारी दृष्टि वाली आत्म केंद्रित अवस्था आ जाती इस प्रकार निर्विशेषवादी भगवान के शाश्वत अस्तित्व ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण सनातन आध्यात्मिक रूप के विषय में धारणा नहीं बना पाते कैसे बना पाएंगे जब गुणों के अंदर अंदर ही हम पड़े रह जाएंगे गुणों से अगर बाहर आ जाए ना व्यक्ति तो फिर उसके लिए कोई उपदेश की जरूरत नहीं होती फिर भगवान घोषणा करते हैं यत करोशी तुम जो कुछ भी करते हो झूठ बोलना सच बोलना सब चीजें चोरी चपाटी सब कुछ आ सकता है उसके अंदर लेकिन ये इतना सहज नहीं इसका कारण यह है इस प्रकार निर्विशेषवादी भगवान के शाश्वत अस्तित्व ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण सनातन आध्यात्मिक रूप के विषय में धारणा नहीं बना पाते इसका कारण यह है कि भगवान यह अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हैं कि वे ऐसे अभक्त के समक्ष प्रकट ना हो जो भगवतीता जैसे ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद भी हठवश, हठवश, हठवश मूढ़ता से निर्विशेषवादी बने रहते हैं निर्विशेषवादी हैं कि भगवान के अंदर कोई विशेषत्व नहीं भगवान साक्षात्कार साक्षात रूप से विराजमान है विग्रह रूप में यह हमें नहीं है समझ अभी हम कल डॉक्टर से एक डॉक्टर से मिले थे तो डॉक्टर कह रहे थे कि बहुत सारे लोग गोपाल जी को लेकर के हाँ टोकरी में इधर उधर घूमते रहते हैं तो बोले हम पहले ऐसा सोचते थे कि ये सब क्या पाखंड है इधर उधर घूमना फिरना ये सब ढकोसला है लेकिन कुछ समय पहले से बोले हमारे यहाँ भी गोपाल जी आ गए तो अचानक से उनके प्रति फीलिंग्स चेंज हो गई और अब तो ऐसा लगता है कि बच्चा भूखा होगा कुछ खिलाया पिलाया जाए उसको एकदम से फीलिंग डेवलप हो गई लगता नहीं था पहले कि ऐसा भी होता होगा क्या हम तो सोचते थे डेकोरेशन का ही कोई सामान होगा <laughs> लेकिन भगवान की जब आराधना की जाती है तो उससे अपने आप हाँ हृदय परिवर्तित हो जाता है संसार जैसे हमें अच्छा लगता है संसार के साथ आदान प्रदान करने से हमें अच्छा लगता है लेकिन बाद में धोखा हो जाता है भगवान की सेवा के साथ ऐसा नहीं होता भगवान विग्रह रूप धारण करते ही हैं, ऐसे जिससे कि हम उनकी सेवा कर सकें और वो सेवा ग्रहण कर सकें सेवा ऊपर तक जाती है साक्षात भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए नए भक्तों को ग्रहों की आराधना करते 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 उनसे अटैचमेंट हो जाती फिर संसार की अटैचमेंट खत्म हो जाती ये सब नए भक्तों के लिए बात कही जा रही है आप जैसे पुराने भक्तों के लिए बात नहीं है कुछ एक मंदिर है जहाँ पुराने भी भक्त हैं, वहां मैंने हाँ पुराने भक्तों को देखा कि वो अपने आप को नया ही मानते हैं और वो भगवान की करते हैं और डीटी टी का जब वो आश्रय लेते हैं उसमें श्रृंगार आदि करते हैं भगवान को बस आभूषण वगैरह पहनाते हैं भगवान को सजाते हैं संवारते हैं इससे क्या हो जाता है संसार का श्रृंगार खत्म हो जाता है जो संसार का श्रृंगार रस है जिसके पीछे सारा संसार भागता रहता है जैसे हम कल राजा भरतरी की कथा सुना रहे थे कि कैसे उन्होंने श्रृंगार रस के ऊपर शतक बनाया और उन्होंने बताया कि जो स्त्री है वो चंद्रमुखी के समान होती है लेकिन जब उन्होंने वैराग्य शतक बनाया भक्त कृपा हो गया तो वैराग्य शतक बनाया तो उसमें लिखते है ये चंद्रमुखी नहीं ये तो श्लेषमा मुखी है कि इसके मुंह के अंदर बस खकार भरा हुआ है कफ भरा हुआ है लार थूक सब ये सब चीजें भरी हुई तो बोले ऐसा भगवान की सेवा करने से आ जाता है भगवान का श्रृंगार करने से सारे संसार के श्रृंगार फीके लगने लग इसलिए हर भक्त को थोड़ी बहुत किसी न किसी मात्रा में भगवान के विग्रह के साथ कनेक्ट करना चाहिए भगवान की साकार उपासना में अपने आप को कनेक्ट करना या फिर कथा वगैरह के माध्यम से भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए लीलाओं का श्रवण कराना चाहिए लेकिन फिर भी बेस्ट है डीटी वर्शिप में थोड़ा बहुत एंगेज करना हर व्यक्ति को किसी न किसी स्तर पर एंगेज होना चाहिए इसलिए लेकिन कोई हठीला व्यक्ति हो अपना ही मूर्ता का प्रदर्शन करे मनमाना आचरण करे उसके लिए ये मार्ग नहीं है इसलिए हट वर्ष मूर्ता से निर्विशेषवादी ही बने रहते हैं भगवत गीता जैसे ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद भी अब गीता का अध्ययन करने वाले लोग कहना पड़ता है अब देखो आइडियली देखो ठंडियां आ गई है तो ठंडियां आ गई है तो हम लोग तो अपनी लाइफ स्टाइल में जीते रहते हैं हमारा खुद का स्वेटर टोपी चालू हो जाएगा लेकिन भगवान का हमें ध्यान नहीं रहता कि भाई भगवान को भी स्वेटर टोपी चालू कर देना चाहिए दर्शाता है कि हमारे अंदर विशेषत तो नहीं है भगवान के प्रति हमें खुद सेंस नहीं जागृत होगा कि भगवान के भी सर्दी के कपड़े निकाल लेने चाहिए भगवान को भी इस प्रकार से गीजर वगैरह की व्यवस्था करनी चाहिए गर्म पानी की व्यवस्था करनी चाहिए रह रहे हम उनके आश्रित जैसे गीता पढ़ने के बावजूद भी निर्विशेषत्व बना रहता है उसकी हटता के कारण ऐसे ही मंदिर इस्कॉन के जो प्रभुपाद जी ने बताया और इसमें इतना बड़ा ऊंचा स्तर बताया कि हम भगवान से रोटी मांगते नहीं क्रिश्चियन लोगों के लिए तरह ओ गॉड प्लीज गिव अस आवर डेली ब्रेड बोले हमारा तो इतना ऊंचा स्तर है कि हम भगवान को रोटी खिलाते प्रभु आपने भोग लगाया कि नहीं भोग लगा के नहीं आपको आपके ग्रैंडकी इतना ऊंचा स्तर लेकिन हम हाँ लोग उनके आश्रय में रहते हुए खाते पीते सब कुछ करते हैं लेकिन भगवान का नहीं सोच पाते कुछ लोग हैं जो सोचते हैं जैसे नरसिंह प्रभु हैं ये बहुत सोचते रहते मैं मैं कह रहा हूं, मैं कहता है उनको इतने सारे व्यंजन क्यों बनाते बोले आपके लिए थोड़ी बनाते हैं जगन्नाथ जी के लिए बनाते है बोले अच्छी बात है भाई जगन्नाथ जी के लिए बनाते है लेकिन फिर मेरे को क्यों देते बोले भक्तों को बांटना होता है फिर मतलब फिर भक्तों को ही बांट दिया करो मेरे को एक ही आइटम दे दिया करो लेकिन सुनता नहीं कोई है कोई व्यक्ति क्या करे मैं भी बूढ़ा हो गया हूं तो इतनी ताकत नहीं है कि कान के नीचे थप्पड़ लगा दो वैसे कोई सुनता नहीं प्यार से तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है हम आश्रम में रहें धारणा बनाए भगवान के प्रति भगवान से जुड़ना सीखे प्रभुपाद जी से जुड़ना सीखे महाराज का कितना भाव रहता है महाराज इतना मंदिर जब हमारा गोवर्धन में प्रभुपा जी की मूर्ति है कब ला रहे हो प्रभुपा जी की और कितने दिन लग जाएंगे अभी तक आ क्यों नहीं रही है व्यवस्था क्यों नहीं बना रहे हो प्रभुपा जी को लाओ <laughs> उनका कितना साकार बुद्धि विशेषत्व बुद्धि है हमें भी ये ध्यान करना होगा यह दुराग्रह इसे दुराग्रह कहते हैं गंदा आग्रह है फिर भी हम अपनी हट छोड़ते नहीं यह दुराग्रह भगवान की निजी शक्ति योग माया के प्रभाव के कारण होता है योग माया उसे और दूर कर देती फिर जब खुद दूर होना चाहता है तो फिर क्या करें व्यक्ति ही चाहता है दूर होना तो फिर भगवान उसकी चाहत का ध्यान रखते हैं लोग सोचते हैं ना भगवान हमारी इच्छा की पूर्ति क्यों नहीं करते भगवान तो इच्छा की पूर्ति करते हैं बस और कुछ नहीं करते इतने दया में है इतने दया में है कि संसार में कोई माँ बाप ऐसा होगा शायद, जो गंदी इच्छाओं के लिए पूर्ति करने के लिए हामी भरेगा लेकिन भगवान फिर भी इतने बिग जाते हैं नहीं मान रहा है तो ले चल तू यही ले हट पूरी करने पर तो ले रहते हम भी हैं विनम्र भी हैं बहसबाजी नहीं करते भगवान क्या करें आप यह दुराग्रह भगवान की निजी शक्ति योग माया के प्रभाव के कारण होता है और हठी निर्विशेषवादी की, की दृष्टि को आच्छादित करने में सहायक बनने का कार्य करता है सहायता करते है भगवान तुम भूलना चाहते तो भूल जा भैया ये नहीं भगवान भुलाते अपनी योग माया को सबको बुला दो ऐसा नहीं भगवान कहते जी भूलना चाहता तो भगवान कहते ठीक है, है भाई तो जैसे कोई व्यक्ति महाराज से पर महाराज जा रहा हूं मैं आप आज्ञा दे दो महाराज से जैसी तेरी इच्छा ये नेगत आ गया है क्या कहते हैं जैसी तेरी छाई क्या कर सकते ये उनका ये नहीं कि तुम गड्ढे में गिरो आ्ञा दे दी जाओ आशीर्वाद है तुम्हें नहीं आशीर्वाद नहीं है लेकिन विनम्रता के कारण वैसे चाहे तो डंडा लगा सकते हैं लेकिन जब दिखाई दे रहा डंडे का असर तो होने वाला है नहीं फिर ऐसे बोलते जैसी तेरी इच्छा क्या कर सकते और हम सोचते हैं जैसी मेरी इच्छा बोल दिया तो तो चलो इतने मूर्ख हैं कि इस संकेत को भी नहीं समझ पाते कि जैसी तेरी इच्छा कैसे मजबूरी में बोल रहे वृंदावन में एक दिन पूछते हैं कि रात को हो गई थी रात हो गई थी तो महाराज से मिलने के लिए गए तो कमरे में बैठे हुए थे साढ़े आठ बज गए थे महाराज बोले क्या प्रोग्राम है फिर अब तू यहाँ रुकेगा या गोवर्धन जाएगा देखो समर्पित अवस्था में भी गुरुजन कितना हमें शिक्षा देते हैं अब गोवर्धन भी उन्हीं का मंदिर है वृंदावन भी उनके स्थान है वहां में उनके आश्रित हैं जी रहे रोटी खाने के लिए आए बेशक सेवा का तो होती नहीं महंत बनकर के बस दादागिरी दिखा रहे तो महाराज पूछते मेरे से वैसे तो गुरुजन आदेश दे सकते फिर भी वो कितना सम्मान देते छोटे छोटे बच्चों को भी पूछते फिर तेरा क्या प्रोग्राम है तुम आज रुकेगा या जाएगा यहाँ मैंने कहा महाराज जाना पड़ेगा जाऊंगा फिर महाराज कहते हैं कैसा बेवकूफ है ये नहीं बोल सकता कि आप जैसा कहें <laughs> ये नहीं बोल सकता आप जैसा कहें जाना पड़ेगा <laughs> कदम कदम पर इस प्रकार से शिक्षा देते पता नहीं कब ऐसी अकल आई इसलिए निर्वि हठी निर्विशेषवादी की दृष्टि को आच्छादित करने में सहायक बनने का कार्य करता है कौन योग माया का प्रभाव योग माया का प्रभाव अपने घर से थोड़ी लाइए योग माया कृष्ण की शक्ति से योग माया कार्य होता वो कृष्ण की ही शक्ति है ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति को मूड अर्थात निपट अज्ञानी कहा जाता है बोले पर वो इतना ही योग माया का प्रभाव है उसके ऊपर बाद में वो कहता है माया बड़ी प्रबल है अरे माया प्रबल नहीं मूर्ख तेरी बुद्धि जो भगवान ने थोड़ी तेरे को स्वतंत्रता दे रखी है तुमने उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर लिया है ये सबसे बड़ी तुम हट करके बैठा हुआ है तुम्हें एक बार का इंस्ट्रक्शन सीधा समझ में नहीं आता है तुम अपनी हट चला रहे हो जैसे कोई व्यक्ति हठीला हो जाए मेरे को नहीं उठना है आप कितना भी उठाओ सुबह मंगल है नहीं उठूंगा नहीं उठूंगा नहीं उठूंगा, उठूंगा इधर से उधर करवट उधर से उधर करबट है कि नहीं फिर ऐसे व्यक्ति तो, जा मर तू तो कहीं जो कर तब तो, तो उसे फिर संसार में फेंक दिया जाता है फिर वो कहता है, संसार में प्रभु उठना तो चाहता हूँ लेकिन क्या करूं उठ नहीं पा संसार में कैसे उठेगा संसार का तो फिर दमोगन का प्रभाव हो ही जाएगा ना तो मंदिर से थोड़ी ना निकाला गया था उसको उसकी हट धर्मता ने विवश कर दिया शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भक्तों को कि भाई इसको मंदिर से बाहर करो तब मजबूरी में उसको बाहर किया गया एक भक्त महाराज कहते हैं मेरे को इसको बाहर निकाल इसको बाहर करो मैं हैरान हो गया जब भी मैं महाराज से मिलता था महाराज हमेशा एक ही बात मेरे को कहते थे एक भक्त था और विदेश की घटना थी तो वो आया मंदिर में तो तो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट से मिला तो ने उसको मना कर दिया आपको मंदिर में अनुमति तो प्रेसिडेंट से मिलने के बाद वो चला गया तो प्रेसिडेंट प्रभुपाद से मिलने आया प्रभुपाद को कहता है प्रभुपाद हो सकता है वो भक्त आपके पास आएगा मिलने के लिए और वो उसका बारह बार वो आता है और भाग भाग करके चला जाता है आता है और बैग उठा करके चल पड़ता है ये उसका तेरहवीं बार है आप उसे मना कर दो बहुत इरिटेटिंग आदमी है बहुत फालन सोल है और पतित व्यक्ति है रघुपात तो कहते है कोई बात नहीं उसको रख लेना उसको रख लेना बिकॉज माई सोसाइटी फॉर फालन सोल्स मेरी ये संस्था पतित लोगों के लिए ही है रख लेना महाराज बार 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 बार, बार जितने बार भी मिलता और थोड़ी बहुत भी हाँ भक्तों को लेकर के कुछ होता कि महाराज ये भक्त ऐसा कर रहा है वो भक्त ऐसा कर रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं महाराज यही स्टोरी मेरे को सुनाते और महाराज बोले तूने सुनी तो है ना ये हाँ महाराज सुनी फिर से सुन ले फिर पूरी घटना सुनाते उसी बात को महाराज को घटना सुनाने में बहुत आनंद आता है और बेस्ट है कि कोई व्यक्ति को महाराज कुछ सुनाने के लिए चले तो ये कभी नहीं कहना चाहिए महाराज ये तो बता दिया आपने सुना था मैंने पहले भी सुन चुका ऐसा कभी नहीं बोलना महाराज को हमेशा यही बोलना महाराज याद नहीं है आप सुनाते मूर्ख बन करके गुरु जी के सामने रहना चाहिए हमेशा ही विद्वता नहीं झाड़नी चाहिए और बार बार सुनने में गुरुजनों के मुख से बहुत आनंद भी आता है ना वो ऐसा नहीं कि पोपट की तरह तोते की तरह सुनी सुनाई बातों को इस प्रकार से सुनाए कर जिम भूसत फिर सुनी सुनाई बात इधर से सुन लिया उधर से सुन लिया जाकर के मेरी तरह कथा सुना दिया इसे कुत्ते की भौंकना कहते हैं उसे कुत्ते की तरह माना जाता है जैसे मैं आप लोगों को सुनाता रहता हूँ लेकिन गुरुजन पूरा डूब करके उस बात में रियलाइज करते हुए अनुभूति के साथ सुनाते तो महाराज बार बार इसी स्टोरी को मेरे को सुनाते थे लेकिन एक दिन अचानक से महाराज कहते हैं इस भक्त को बाहर निकाल से बाहर मैं हैरान हो गया महाराज ऐसा कैसे कह रहे हैं आज तक तो कभी तो किसी को नहीं निकल पाया महाराज बोले तेरे को क्या लगता है मैं इसका दुश्मन हूँ मैं इसका दुश्मन नहीं हूं तीन साल हो गए तीन साल से मैं इसके पीछे पड़ा जब कर जप कर जप कर सोलह माला जब कर लिया कर सोलह माला जप कर लिया कर सोलह माला जब ही नहीं करता माला ही नहीं करता भला कैसे होगा इसकी बुद्धि कैसे सुधरेगी मैं पर्सनली इसको इतना ध्यान दे करके पीछे पड़ा फिर भी इसकी खोपड़ी नहीं सुधर रही महाराज इस प्रकार से दंडित भी करते हैं तो जैसे योग माया प्रभाव दिखाती है ठीक है तो संसार कोई देखना चाहता है संसार में सड़ना चाहता है जहां सड़ और क्या कर सकते हैं हठी व्यक्ति के साथ ऐसा होता इसलिए हट छोड़ देनी चाहिए विनम्रता का आश्रय लेना चाहिए ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति को मूल अर्थात निपट अज्ञानी कहा जाता है क्योंकि वह भगवान के दिव्य रूप को अजन्मा तथा अक्षर के रूप में समझने में असमर्थ रहता है भगवान को नहीं समझ पाता वो यदि भगवान अपने मूल निर्विशेष पहलू से भिन्न कोई स्वरूप या भौतिक आकार ग्रहण करते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि वे जन्म लेते हैं और निर्विशेष से साकार रूप में परिवर्तित होते हैं लेकिन वे परिवर्तनशील नहीं हैं नहीं बद्ध जीव की भांति कभी नया जन्म लेते हैं ध्यान दें बद्ध जीव अपनी भौतिक स्थिति की बद्ध अवस्था के कारण एक जन्म के बाद दूसरा जन्म ले सकता है लेकिन स्व केंद्रित निर्विशेषवादी अपनी निरी अज्ञानतावश अहंकार के कारण भगवान को अपने जैसा मानकर चलते हैं यद्यपि वेदांत के ज्ञान में वे तथाकथित रूप से बहुत आगे बढ़े कहलाते हैं प्रत्येक व्यक्तिगत जीव के हृदय में निवास करने के कारण भगवान ऐसे बद्ध जीवों के भूत वर्तमान तथा भविष्य की प्रवृत्तियों को भली भांति जानते हैं लेकिन मोहग्रस्त बद्ध जीव शायद ही उन्हें उनके शाश्वत रूप में जान सके अत निर्विशेषवादी भगवान के ब्रह्म तथा परमात्मा पहलुओं को जान लेने के बाद भी उनकी नित्य साकार स्वरूप नारायण से जो समस्त भौतिक सृष्टि से परे हैं अनजान रहते भगवान को लोग नहीं समझ पाते भक्त ही दुर्लभ होते हैं जो नारायण भगवान को समझ पाते और भगवान कैसे कैसे समझ में आएगा उन लोगों को जब ब्रह्मा जी जैसे लोग भी मोहित हो जाते हैं इतना आसान थोड़ी है भगवान को समझना भक्तों को एक बार एक भक्त ऐसे थे तो भगवान की कथा सुनाते थे तो नारायण भगवान स्वयं चले जाते थे उनकी कथा सुनने के लिए और भगवान ने वचन दिया है यत्र भक्ता गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते मैं वहां जाकर बैठ जाता और वो बड़े अच्छे संत थे और वो जानते थे ये नारायण भगवान है नारायण भगवान आकर के कथा सुनते थे भगवान को कथा सुनना सत्संग करना इतना अच्छा लगता है भगवान स्वयं कथा सुनने पहुंच जाते एक दिन लक्ष्मी माता कहने लगी प्रभु आप अकेले गायब हो जाते जाते हैं कभी हमें भी याद कर लिया करो हमें आप छोड़ के चले जाते हैं। तो बोली वो भगवान बोले देवी थोड़ा सा जो भक्त है ना वो इतना लाइक नहीं करते घर गर गृहस्थी वालों को थोड़ा विरक्ति वाले महात्मा है इसलिए मेरा ही जाना ठीक है तुम सहन नहीं कर पाओगे उनके प्रवचनों को वो थोड़े से कड़क व्यक्ति तो कोई बात नहीं लेके तो चलो लेकर के चल पड़े जैसे ही वो पहुंचे पत्नी को लेकर के मतलब लक्ष्मी देवी उनको पता है लक्ष्मी आई अरे तो ये जंजाल तुम कहा से उठा करके लेके आए दूर 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 रहो दूर रहो बैठो उधर बैठो दूर, रहु, दूर, रहु, दूर, रहु, दूर रहु अकेले आते थे अच्छा लगता था दूर रहो तो उनको बड़ा बुरा लगा कि सब जगह तो मेरा सम्मान होता है और इनको पता भी है कि मैं लक्ष्मी देवी हूँ फिर भी मेरा इतना अपमान कर रहे हैं तो भी उनको कोई ज्यादा बुरा नहीं लगा क्योंकि नारायण भगवान कथा सुना रहे आखिर में तो भगवान की भक्ति हूँ भगवान की कथा सुना रहे अच्छा लगा जैसे तैसे दूर बैठ करके सब प्रपंच है सब झंझट है आश्रम की मर्यादा का ध्यान रखा करो यहाँ माताओं को प्रवेश नहीं है, ऐसा वैसा पहले साधु लोग ऐसे हुआ करते थे वो तो प्रभुपा जी ने दया करके सबको आश्रय दिया तो फिर माता लक्ष्मी कहती हैं कि बड़े अच्छे संत हैं, बड़े विरक्त हैं, बड़े अच्छे महात्मा आप एक काम करो इनको वैकुंठ में बुलाओ और हमारे घर पे जी आ जाएंगे थोड़ा इनका उच्चिष्ट भी हमें प्राप्त हो जाएगा तो हमारा घर भी पवित्र हो जाएगा भगवान के भक्त लोग वास्तव में बड़ी शक्तिशाली होते हैं जब गंगा जी को लेकर के आ रहे थे भागीरथ जी तो गंगा जी अपने आप में दुखी थी कि ठीक है मैं तो आ जाऊंगी लेकिन सब लोग मेरे को दूषित भी तो कर देंगे अपने अपने पाप छोड़ छोड़ करके चले जाएंगे मेरा क्या होगा नौवे स्कंद की घटना अध्याय में बहुत सुंदर प्रसंग है भागीरथ जी कहते हैं मैं स्वार्थी नहीं हूँ केवल अपने ही नहीं सोच रहा हूँ आपका भी सोचा है मैंने बोले तो मेरा सोचा है कैसे सोचा है तुमने बोले जब भगवान के भक्त लोग आपके अंदर स्नान करने के लिए आएंगे तो वो आपके अंदर से पापों को ले जाएंगे और आप परम पवित्र हो जाएंगे जैसे प्रुपा जी का आप लोगों ने कभी वीडियो देखा हो यमुना जी में प्रभुपा जी हाथ से मल मल के स्नान कर रहे हैं <laughs> बड़े भाव लग -लग में आकर के प्रभुपा जी स्नान कर रहे हैं यमुना जी अलग अलग सरोवर में प्रभुपा जी ने स्नान किया है हमें ऐसा लग रहा है कि प्रभुपा जी हाँ स्नान करके अपने आप को पवित्र कर रहे अपने आप को पवित्र नहीं कर रहे वो गंगा यमुना आदि इन सब तीर्थों को पवित्र करते हैं विदुर आदि ने सारे तीर्थों को पवित्र किया वैष्णव लोग इतने महान होते हैं वैष्णवों की ताकत देखो कितनी कितनी ज्यादा है गंगा जी को पवित्र कर तो माता लक्ष्मी अगर ऐसी बात बोले कि इनको वैकुंठ बुलाओ ना हमारे घर में भी आकर के थोड़ा हमारा घर भी पवित्र हो जाएगा वहां भी थोड़ी झूठन पड़ जाएगी भक्त लोगों का उच्चिष्ट शॉर्टकट रास्ता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हर चीज का शॉर्टकट लोग खोजते हैं ना भक्ति में भी आगे आने के लिए शॉर्टकट रास्ता है उनका उच्चिष्ट मिल जाए झूठा लेकिन भक्तों का मिलना चाहिए संत को मिले संत और ठग को मिले ठग अब संसार में प्राय सभी हम जैसे मेरे जैसे लोग तो ठगी हैं पता नहीं आप सब संत हैं कोई संत है इसमें जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं जो भी लोग भक्त लोग सुन रहे हैं सब हाथ खड़ा करो कोई संत है तो देख लो मैं थोड़ा दर्शन करना चाहता हूं संतों के कोई संत नहीं और आप लोग सब मेरे को बुलाते हो अपने अपने घरों में है कि नहीं इसका मतलब सब ठग हैं तो ठग को ही बुलाएंगे ना और किसको बुलाएंगे ठग को मिले ठग और संतों को मिले संत सारे ठग बैठे हुए और फिर ठगों को ही बुलाते हो इसलिए आगे से कभी मेरे को अपने घर पे मत बुलाना सब संतों का आश्रय लो संतों को बुलाओ नहीं। तो वो कह रही है लक्ष्मी माता कि आप कृपा करके इनको बुलाओ तो भगवान ने उनको इन्विटेशन दे बोले देवी हालांकि नारायण भगवान कह रहे हैं कि ऐसे संतों से थोड़ा दूरी बना के रखना ही चाहिए ज्यादा उनको मुंह नहीं लगना चाहिए नहीं तो फिर सब संसार छूट जाता है बोले दो चार वो बताते हैं उदाहरण अग्नि से जल से और संतों से इन सब से थोड़ी दूरी बना के ही ठीक रहता है अगर संसार में जीना है तो ज्यादा नजदीकी ले लेते तो फिर संसार खत्म हो जाता है समझ रहे हो नहीं कि प्रभु थोड़ा डिस्टेंस के साथ रहना चाहिए तो नारायण भगवान समझा रहे हैं तो थोड़ी दूरी ठीक है ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए बोले तो नहीं नहीं हम कहा ज्यादा लगा रहे हैं एक बार बस बुलाई तो रहे हैं। वैकुंठ चले गए वो भगवान नारायण ने उनको बुलाया तो भक्त तो थे तो लक्ष्मी माता ने बड़े सारे व्यंजन बनाए जब बड़े सारे व्यंजन बनाए तो अरे ये तुमने क्या बना दिया है सब घोर भोगी लोग हो तुम लोग इतने छप्पन भोग बना दिए देखते नहीं हम विरक्त महात्मा लोग अरे केवल एक सूखी सूखी टिक्कड़ बना दो बस वही खाएंगे ये सब चीजें नहीं खाएंगे उनको बड़ा लक्ष्मी देवी को बड़ा बुरा लक्ष्मी देवी ने श्राप दे दिया हम आपको श्राप देते हैं कि आपको रोटी पर रोटी रख के खाने का सौभाग्य नहीं मिलेगा मतलब कई सारी रोटी खाने को नहीं मिलेगा आपको तो वो भक्त कहते तो ये शराब थोड़ी है तो वरदान है हमारी हम रोटी पे रोटी रख के खाएंगे ही क्यों सवा से राटे की एक ही रोटी बनाएंगे और उसी एक रोटी से हमारा सारा काम चल जाएगा आराम से धीरे धीरे पकाएंगे मोटी ताजी रोटी रहेगी और बोले हंसने वाली रोटी खाते हम हंसने वाली रोटी होती है धीरे धीरे सेको 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 तो सेकते सेकते रोटी फट जाती थोड़ी सी क्रैक आ जाती मोटी रोटी ऐसा करती जान लो और फिर उस रोटी में जब क्रैक आ जाते हैं फिर उसमें गाय का देसी घी डाल दो अंदर उसको हासी रोटी कहते हैं हंसने वाली रोटी मुंह खिलखिला रहा है उसका अब उसके अंदर घी डाल दो और घी डालने के साथ थोड़ी सी मात्रा में बढ़िया गुड़ मिल जाए और फिर मिर्ची थोड़ी सी फ्राई करके मिर्च मिल जाए घी के साथ ही नमक डाल करके फिर और क्या चाहिए भैया या मेरे जी की ऐसी चटनी मिल जाए मेरे पिताजी कई बार ऐसे बनाते थे जब माताजी जी चली जाती थी फिर वो हमें बना बना करके खिलाते थे फिर वो तो कहते राम जी लौके लौके ढोल रहे भैया खाना तो खा लेके चुप चाप लौके लौके मतलब भगवान भी बोले छुप छुप करके ढूंढ रहे हैं ये रोटी मेरे को मिल जाए <laughs> तुम क्यों नहीं खा रहे इतना देर आ जाओ चुपचापट इस प्रकार से भगवान को भी अच्छी लगती लेकिन ये घटनाएं यहाँ वर्णन साकार स्वरूप नारायण से जो समस्त भौतिक सृष्टि से परे हैं अनजान रहते हैं और उन भक्तों ने भी फिर लक्ष्मी देवी को श्राप दे दिया आप हमें श्राप दे रहे हो हम भी आपको श्राप दे देंगे <laughs> भक्त लोग आपको महत्व नहीं देंगे ज्यादा अच्छे भक्त लोग होते हैं लक्ष्मी देवी को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते लेकिन फिर भी भगवान की सेवा के लिए अच्छी बात है धन्यवाद सभी का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए भागवत महापुराण की जय श्री प्रभुपाद की जय श्री गुरु महाराज की जय अनंत गोटी वैष्णव वृंद की जय आप सब भक्तों की जय जयकार